चीनी खाने से हमको कई प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो, परंतु चीनी की बजाय अगर हम उस गन्ने से जो गुड़ बनता है उस गुड़ का प्रयोग करें, खाएं, तो हमारी कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती। गुड़ अत्यंत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, इसके अंदर इतने गुण छिपे हुए हैं कि हमारी कई प्रकार की बीमारियों से शानियां खत्म। इसमें होता क्या है, गुड़ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन C भरपूर मात्रा में, जो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों से राहत। बस गुड़ खाएं और ऊपर से गर्म पानी का सेवन करें। इससे हमारा शरीर की कौन कौन सी बीमारियों से लाभ होता है, इस वीडियो के माध्यम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड़ के अंदर मिठास बहुत ज्यादा हो और खाने में भी ये स्वादिष्ट होता है। अगर कुछ लोग गुड़ को पसंद नहीं करते और कुछ लोग सिर्फ गुड़ खाना पसंद करते हैं, अब तो ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो चाय बनाते हैं वो भी गुड़ की बनाते हैं। जब चाय उबल रही होती है तब गुड़ नहीं डालते, जब चाय उबाल के बाहर कर लेते हैं तब उसमें गुड़ मिलाते हैं, ताकि वो चाय में जो दूध डाला है वो फट ना जाए। अब हम इसके, जिन लोगों का पेट ज्यादा भार आ गया है और उनको भारीपन लगता है, वो रात को सोते समय दो टुकड़े गुड़ के मुंह में रख के अच्छी तरह से चबा चबा के खा लें या चूस लें, उसके ऊपर एक गिलास गुनगुना पानी पी लें, उससे उनकी पेट की जो मोटापा है, जो पेट से जो उनके मोटापा आ चुका है वो खत्म हो जाएगा और पेट साफ होने की शिकायत भी नहीं रहेगी, पेट भी साफ हो जाएगा। जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी है, वो लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा गुण है जो पोटेशियम और मैग्नीशियम है, वो हमारी नींद को बहुत साउंड स्लीप देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा भी बन जाती। तीसरा, मुंह के अंदर कभी कभी किसी को बदबू आती है तो उसको रात को छोटी इलायची मुंह में रख के चूसे, साथ के साथ उसमें गुड़ भी खाए। और लोग मिश्री खाते हैं, मिश्री की बजाय इलायची के साथ गुड़ का सेवन करें तो उसके कैविटी भी नहीं होगी, मुंह की बदबू भी चली जाएगी और डाइजेशन भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जिन किसी को पथरी की समस्या हो, अगर वो एक टुकड़ा गुड़ का रात को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी ले लेता है तो उसमें यूरिन के रास्ते वो पथरी अगर छोटी है तो टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल जाएगी। और दूसरा, उसकी पथरी की वजह से जो सीने में जलन होती है या जोड़ों में दर्द होती है वो भी, उससे भी राहत मिल जाएगी। आज ये देखने में आता है कि युवा बुजुर्ग के तो बाल झड़ते ही हैं, जब युवा है उसके भी बाल झड़ने लग गए हैं, क्योंकि उनके अंदर गुड़ खाने की प्रक्रिया नहीं है, गुड़ को वो पसंद नहीं करते, तो उसका गुड़ का भी इसी प्रकार से प्रयोग करने से उनके बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि घर में गुड़ रखें और गुड़ खाएं, अपनी मिठास की चीज़ों को गुड़ से अपने घर में बना के खाएं, गुड़ का हलवा खाएं, गुड़ की कोई भी चीज़ बनाएं वो घर में खूब खाते रहें। जितना आप गुड़ खाएंगे आपकी बॉडी के अंदर आयरन की क्षमता बढ़ेगी, और अगर कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसमें गुड़ को बनाना है हलवा या उसको, तो वो अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो उनको और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है। गुड़ हमारे देश की बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, बहुत आदि काल से हमारे लोग गुड़ ही खाया करते थे और वो स्वस्थ रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे और अपने कार्य क्षमता उनकी बहुत बड़ी रहती। मैं आशा करता हूँ कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को चलाते हुए इस गुड़ का सेवन करेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करके और तंदुरुस्त और चुस्त बनेंगे, अपने कार्य करने में अपने सक्षम रहेंगे और अपने हड्डियां और शरीर को मजबूत रख के स्वस्थ रह के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं अगर ये वीडियो आपने पहले कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच सके। धन्यवाद।